हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रीसेट नेटवर्क सेटिंग के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है सिस्टम सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, बैकअप एंड रीस्टार्ट पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोन रीसेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे रीसेट कर देना है। और फैंस, इसे रीसेट क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग के नीचे आप देख सकते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल इंटरनेट, यानी कि इन सब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर इंटरनेट चल नहीं रहा है ढंग से, तो आप इसे मतलब रीसेट करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। ये देखिए यहाँ पर शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रीसेट करके यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।